हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन एग्जाम के बारे में। तो असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। साथ में उन्होंने बताया कि सेकेंड स्टेज की जो परीक्षा होने वाली है वो कब होने वाली है, आप अपने नंबर जो है मार्क्स कैसे देख सकते हैं, आपका कट ऑफ कितना गया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। साथ में आपको बता दूं कि मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं, वहां पर मैं लगातार एसएससी, बैंक, रेलवे, सिविल सर्विसेज के कोर्सेज बना रहा हूं, जो कि आप अभी स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। तो यदि आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करने के बाद वहां पर शशांक कौरव लिखकर जब आप सर्च करेंगे तो मेरी प्रोफाइल आपको वहां पर मिल जाएगी। फॉलो बटन पर क्लिक करके आप मेरे सभी कोर्सेज को देख सकते हैं। तो आपके सामने जो है ये आज का नोटिस है, आज जो है वो रेलवे ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि एएलपी एंड टेक्नीशियन से रिलेटेड जो है ये नोटिस अपलोड किया गया, जिसमें इन्होंने रिजल्ट और एग्जाम डेट को अनाउंस किया हुआ है। तो इन्होंने ये बोला है कि फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट इन्होंने बता दिया है, और उसमें जो प्रोविजनली सिलेक्टेड जो शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट हैं, मतलब जो कि सेकेंड स्टेज के लिए जो है वो अपीयर होंगे, उनके रोल नंबर इन्होंने बता दिए हैं। तो आप जिस भी आरआरबी से हैं अपनी आरआरबी की वेबसाइट को आप ओपन करके देख सकते हैं। वहां पर आपको आपका रोल नंबर यदि मिलता है तो आप सिलेक्ट है, और नहीं मिलता है तो आपको जो है वो सिलेक्ट नहीं किया गया है। साथ में उन्होंने ये बोला है कि आप अपने इंडिविजुअल स्कोर को भी देख सकते हैं, मतलब आपको कितने मार्क्स मिले हैं वो आप देख सकते हैं, आपके जो जोन है उसका कट ऑफ कितना रहा है, किस कैटेगरी का रहा है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करनी है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर जो है वो चेक कर सकते हैं। साथ में आपको एक मास्टर क्वेश्चन पेपर यहां पर दिया जाएगा और उसकी आंसर की भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी कि आपने आपको जो क्वेश्चन पेपर मिला था वो कैसा था और उसमें आपने कौन कौन से आंसर जो है वो गलत किए हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं 11 दिसंबर तक। तो आप इसके पहले कैसे भी करके इसको चेक कर लीजिए। साथ में ये सभी आरआरबी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, और जो सेकंड स्टेज का जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, ये होगा 12 दिसंबर से लेकर 14 दिसंबर तक, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे जो है वो बात कर लेंगे किसी और वीडियो में। और इसका जो एग्जाम डेट है और जो सिटी आपको जो मिलेगी वो आपको 10 दिन पहले जो है वो बताई जाएगी। तो आप जब किसी भी आरआरबी की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको वहां पर चार लिंक जो है वो दिखाई देंगी, जिसमें से जो पहली लिंक है वो है क्लिक हियर फॉर प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, मतलब जिनको सिलेक्ट किया गया है, मतलब 15 गुना स्टूडेंट को जो यहां पर सिलेक्ट किया गया है सेकंड स्टेज के लिए, तो उनके रोल नंबर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपना रोल नंबर देखकर जो है यहां पर चेक कर सकते हैं, मतलब रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो देखकर आप अपना चेक यहां पर कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपको अपना इंडिविजुअल स्कोर देखना है कि आपको कितने नंबर मिले हैं, तो उसके लिए आपको सेकंड लिंक पर जो है वो क्लिक करना होगा। यहां पर आप क्लिक करने के बाद अपना स्कोर देख सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर और आंसर की भी जो है यहां से आप देख सकते हैं। थर्ड लिंक यहां पर दी गई है वो है कट ऑफ मार्क्स की, जो कि अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए आप जो है वो कम्युनिटी टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो हैं उनके कट ऑफ मार्क्स भी यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर जो फोर्थ लिंक है उसका जो नोटिस था वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, और ये जो लिंक है ये ओपन हो जाएगी 2 नवंबर से रात को 9 बजे, मतलब आज रात को 9 बजे से जो है ये लिंक ओपन हो जाएगी, और ये आप देख सकते हैं 11 दिसंबर तक रात को 12 बजे तक। तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालकर सारी चीजें चेक कर लीजिए। आपका रिजल्ट कैसा रहा मुझे कमेंट करके बताइए। साथ में जो लोग सिलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जो लोग सिलेक्ट नहीं होते हैं उनके लिए मैं हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की चार लाइनें बोलना चाहूंगा कि असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो यदि आप जो है इसमें असफल हो जाते हैं तो आप दोबारा दूसरे एग्जाम के लिए अपीयर होइए, हो सकता है आपको कुछ और अच्छा जो है वो मिलने वाला हो। तो आप इससे बिल्कुल भी निराश ना हो, और आपको यदि कोई प्रॉब्लम है या आपके नंबर कितने आते हैं, आपको सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, मेरा क्या उसमें रोल रहा, वो सारे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, तो मैं आपके कमेंट का यहाँ पर जो है वो वेट करूंगा। तो बस इतनी ही जो है आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि सभी जो है वो एग्जाम के रिजल्ट को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। जय हिंद।